राजू और कमल एक रात को अपने गांव लौट रहे होते हैं कि तभी वो अपने गांव के रास्ते में पड़ने वाले जंगल से गुजरते हैं। राजू और कमल जंगल से जा ही रहे होते हैं कि तभी कमल बोलता है, अरे राजू भैया, तनिक जल्दी चलो, ये जंगल तो रात में बहुत डरावना लग रहा है और जंगल से जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। अरे लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इस जंगल से तो हमारा रोज का आना जाना है। अरे राजू भाई, रोज का आना जाना तो है, लेकिन मैं कभी यहाँ से रात में नहीं गुजरा हूँ, मुझे नहीं पता था कि जंगल इतना डरावना है। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगती है। कितनी प्यारी खुशबू है, चलो जरा चल के देखें ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम खुद ही बोल रहे थे कि चलो जल्दी जल्दी चलें, डर लग रहा है। लेकिन राजू भाई, अगर 2 मिनट जाकर देख ही लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। अरे नहीं यार, हम लोग घर चलते हैं, वहाँ दिन में आकर चलेंगे। तुम यार बहुत डरपोक हो, तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। इतना कहकर कमल जंगल की खुशबू वाली दिशा में चल देता है और काफी देर हो जाती है, लेकिन वहाँ से कोई वापस नहीं आता। बहुत देर हो गई है पर कमल अभी तक वापस नहीं आया, क्या करूँ, जाकर देखूँ या रहने दूँ, चलो चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। कि तभी अचानक वहाँ से कमल के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे राजू भाई बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। कमल की आवाज सुनकर राजू रुक जाता है और बहुत डर जाता है कि तभी उसे वहाँ से एक औरत के हंसने की आवाज आती है। हंसी की आवाज सुनकर राजू बहुत डर जाता है और जंगल से घर की ओर भागता है। घर पर राजू की पत्नी कमला उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी राजू को इतना डरा हुआ देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो, कोई भूत देख लिया क्या? नहीं भूत नहीं, रास्ते में तुम्हारी अम्मा को देख लिया हूँ, इसलिए डरा हुआ हूँ। देखो मेरी माँ के बारे में फालतू मत बोला करो, मैंने आपको कई बार समझाया है। तो हर टाइम मेरा मजाक क्यों बनाती हो तुम? चलो ठीक है, अब बताओ क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो? राजू जंगल की सारी कहानी कमला को बताता है। अरे कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसकी खुशबू से कोई भी उसके काबू में आ जाता है, लेकिन आपने ये गलत किया, आपको अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ये सभी बातें करते करते कमला और राजू दोनों सो जाते हैं और सुबह उठकर राजू अपने एक दोस्त सुरेश के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई सुरेश, कल रात जंगल में एक तरफ से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और कमल उसके पीछे पीछे चला गया, फिर वापस नहीं आया, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम लोग जंगल चलकर देख लेते हैं, हो सकता है वो हमें वहीं कहीं मिल जाए। राजू और सुरेश दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर कमल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को वहां कोई नहीं मिलता और ना ही कोई खुशबू आती है। राजू भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना कोई हंसी आ रही है और ना ही कोई खुशबू आ रही है, ना ही कमल यहाँ दिख रहा है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात ये सब कुछ यही हुआ था और उस तरफ से खुशबू आ रही थी। राजू और सुरेश खुशबू की तरफ जाते हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब राजू बोलता है, मुझे लगता है ये सब जो हुआ था कल रात वो रात की वजह से हुआ था, अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो एक चुड़ैल ही थी जिसकी मैंने हंसी की आवाज सुनी थी कल रात को। फिर तो हमें रात को ही आना चाहिए, लेकिन अब हम रात को अकेले नहीं आएंगे, मैं एक ज्ञानी बाबा को जानता हूँ, वो उस चुड़ैल को जरूर कुछ करेंगे। और दोनों बाबा की कुटिया में पहुंच जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। मैंने उस चुड़ैल के बारे में सुना है, वो चुड़ैल अपनी खुशबू से सबको अपनी ओर खींच लेती है और वही उसने तुम्हारे दोस्त के साथ किया है। लेकिन बाबा, हमें अपने दोस्त को बचाना है, हमें कोई उपाय बताएं। चुड़ैल अपनी खुशबू की वजह से जिंदा है और उसे जहाँ से भी खुशबू मिलती है तुम्हें उसे खत्म करना होगा, वो चुड़ैल खुद ही खत्म हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर सुरेश और राजू जंगल में पहुंच जाते हैं।
कि तभी उन्हें जंगल से बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है और खुशबू के साथ ही वहाँ एक चुड़ैल भी आ जाती है। कल तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कि तभी सुरेश अपना एक प्लान बनाता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, हम दोनों को आपके यहाँ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों तो आए ही आपके साथ रहने के लिए हैं। तुम दोनों को मेरे बगीचे की खुशबू इतनी अच्छी लगी? अरे वाह, चलो कोई नहीं, तुम दोनों मेरे गुलाम बनकर रहना। चुड़ैल सुरेश और राजू को लेकर अपने बगीचे में जाती है, जहां उन्हें कमल भी दिखाई देता है और वो दोनों कमल को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, ये सब लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सभी मेरे गुलाम हैं और मेरे इस बगीचे की देखरेख ये सभी करते हैं। सुरेश चुड़ैल को अपने साथ बातों में लगा कर रखता है और मौका मिलते ही राजू चुड़ैल के बगीचे में आग लगा देता है और चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे ये क्या हुआ, मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा बदन जल रहा है, ये मेरे बगीचे में आग किसने लगा दी? ये हमने किया है चुड़ैल जी, अब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पहले खुद को तो बचा लो, फिर हमारे साथ कुछ करना। और चुड़ैल तड़पते तड़पते मर जाती है और उसका जादुई बगीचा भी गायब हो जाता है। राजू सुरेश और कमल तीनों खुशी खुशी अपने गांव को वापस लौट जाते हैं।